हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ना कचौरी या समोसा खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है और बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यहीं पर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक बड़ा सा बर्तन ले लेनी है और इसमें यहाँ पर ना डाल देंगे हम 3 चम्मच ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर सरसों ऑयल बिल्कुल ना लें। और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, यानी कि मैं यहाँ पर आधा चम्मच के करीब यहाँ पर मैं नमक का यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही में जाएगा 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत बढ़िया आता है, इसलिए आप ज़रूर से ऐड करें। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। तो मैदे की जगह पर आप अगर गेहूँ का आटा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो पहले जो है मैदे को अच्छे से छान लेना है। अब क्या करेंगे ना, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे क्रम्बल कर लेना है। इससे जो है ना, आप ऑयल जितना भी आप इसमें डालें है ना, एक मेजरमेंट होती है कि यहाँ पर 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और इसके हिसाब से ना यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे का यूज़ किया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी हो रही है। तो इस तरीके की बाइंडिंग अगर हो रही है ना तो बिल्कुल परफेक्ट है ये मॉयल। तो इसी तरीके से हमें ना मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस स्टेज पे अब हम क्या करना है कि पानी डाल देना है। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इसका एक हमें डो, सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। जिस तरीके से हम ना रोटी चपाती के डो तैयार करते हैं, बस उसी तरीके से हमें मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेना है। और अब इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना इसे। बस देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है, बिल्कुल चिकना सा हमें इसे गूंथ लेना है। अब इसे हम रखेंगे साइड पे और दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने रख दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 पीस आलू को बीच से कट करके बॉयल कर लिया था। और इसे क्या करेंगे ना, बॉयल करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसे आप ग्रेट कर लेना है या तो फॉर्क से इस तरीके से मैश कर लेना है, यानी कि हमें इसे अच्छे से स्मूथली सा मैश करना है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे ना, अब टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ पर अब मसाले डालने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, तो बस थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून डाल देना है। और अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर डाला है। यहाँ पर देखिए आलू की क्वांटिटी अगर ज़्यादा आपने रखी है तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून कर देना है सभी मसाले को, लेकिन मैंने यहाँ पर सारी क्वान्टिटी 1/4 टीस्पून रखा है। मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और ये चाट मसाला भी मैंने डाला है और थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला पाउडर भी डाल दिया है। तो सारी क्वान्टिटी तो मैंने आपको बता दी कि 1/4 टीस्पून रखना है। अब क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ना प्याज भी नहीं ऐड करना है, ना ही कोई सब्जी ऐड करना है, क्योंकि हमें इसकी जो है एक अच्छा सा ना हमें इसे मिक्स करना है, स्मूथली सा हमें इसका बैटर तैयार करना है। तो इस तरीके से ना आप हाथ की भी मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर हो तो ज़रूर से डाल दीजिएगा, और अगर नहीं है आपके पास तो अरारोट पाउडर हो तो वो आप डाल सकते हैं, या तो फिर आप चावल का आटा 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो इसे डालने से क्या होता ना, इसे अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाती है और अच्छा सा क्रम्स, जैसे कि क्रंची हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या है कि मैदा में अच्छे से रेस्ट भी हो गया, एक बार इसे अच्छे से एकसार कर लीजिएगा, यानी कि गूंथ लीजिएगा। अब इसे 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। अब दोनों बॉल को हम इस तरीके से चिकना कर लेंगे। तो चलिए एक अब इसे करते हैं साइड पे और एक बॉल ले लेते हैं, यानी कि एक लोई ले लेते हैं, और इसे अच्छे से चपटा करना है और इसमें थोड़े से मैदे की डस्टिंग कर लीजिए इस तरीके से, और इसे हम बेलन की मदद से इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो इसे बेलना है, एक बड़ी सी चपाती हमें बनानी है, ठीक है। तो इसे ना ही पतला बेलना है ना ही मोटा बेलना है, बिल्कुल एक लेयर की हमें रोटी इसकी बना लेनी है। तो इसकी थिकनेस मैं दिखा दूँ, तो इस तरीके की हमें रखनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ना 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो मैंने बेल लिया है और दूसरी आपको बेल करके रख लेना है। तो चलिए इसे भी हम रखते हैं इसे साइड पे, और दोनों रोटियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए एक मैंने रखी साइड में और ये एक हमारा यहाँ पर रखा हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, सारी तैयारी तो हो चुकी है, अब हम इसे ये जो हमारा आलू का मिश्रण है ना, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इस तरीके से। हमें इतना ही डालना है ताकि इसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है फैलाते हुए। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर एक एक चम्मच स्टफिंग को अच्छे से लेकर के फैला सकते हैं। सभी तरफ से अच्छे से फैला लीजिएगा और इसकी जो थिकनेस है ना, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, थोड़ी सी कम ही रखना है आलू का स्टफिंग, बस इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर से ना हम दूसरी रोटी को भी लेयर लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि सभी तरफ से अच्छे से ना फैला दिया है, और ये देखिए बहुत अच्छे से एक चम्मच मेरी और लग गई थी इसमें आलू की स्टफिंग, और इसे इस तरीके से स्पैचुला से आप अगर फैलाते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये फैल जाएगी। तो ये तो फैल चुकी है, अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब दूसरी रोटी जो है इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। अब जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है तो थोड़ी सी आपको खिंचाव की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से आप खींचेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये ढक जाएगी। तो इस तरीके से आप ना थोड़ा थोड़ा इसे खींचिए और ये इसे आपको पूरा कवर कर देना है इस रोटी से। तो ये तो हो गई, अब चलिए इसे हम कटिंग किस तरीके से करेंगे आप वो देख लें। अगर आप इसे स्क्वायर शेप में कटिंग करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े जो है आप चारों साइड से निकाल दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसे वेस्ट करना नहीं चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेलन का यूज़ किया है क्योंकि ये अच्छे से चिपक जाएगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने इसे ना कोई भी वेस्ट इसमें नहीं किया है, तो मैं इसे इसी तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। अगर आप ना थोड़ा सा शेप अगर दिखना देना चाहते हैं तो इसे आप दे सकते हैं। तो हल्का सा यहाँ पर मैं यहाँ पर कट करके निकाल रही हूँ इस तरीके से, बस थोड़ा ही डाल निकालना है, ज़्यादा नहीं। अब इसके जो है लंबे लंबे जो है हम ना इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं पहले। तो इस तरीके से सभी पीसेस को हम कट करेंगे। आप यहाँ पर चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना इससे पिज़्ज़ा कटर से अच्छे से इसमें कटिंग हो जाती है बिल्कुल एक जैसी। तो अगर कहीं पर जैसे कि चौड़ी भी हो रही है, पतली भी हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही झटपट से और बहुत ही अलग तरीके से ये बनके तैयार हो जाने वाली है, और खाने में बिल्कुल समोसे का टेस्ट आएगा। तो आप अगर समोसा कचौड़ी पकौड़ी भी खा करके बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए सभी लंबे लंबे स्लाइस में इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है ना, एक पीस हम इस तरीके से उठाएंगे और इसे हम किस तरीके से फोल्ड करने वाले हैं वो आप देख लें। तो एक साइड को आपको पकड़ना है इस तरीके से, राउंड में घुमाना है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके का ना हो जाता है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम एक शेप देना है इसे, एक फ्लावर का। तो इस तरीके से आपको राउंड करना है, एक हाथ से उधर से पकड़े रहिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये जो आपने घुमाया है ना वो खुलती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको घुमाते चले जाना है। अब लास्ट वाला जो पार्ट बचा है ना, इसमें आपको पानी लगा देना है, बस थोड़ा सा फिंगर से आप पानी लगाइए या ब्रश से, बस इस तरीके से आपको इसके ऊपर से चिपका देना है। इस तरीके से ये खुलेगी बिल्कुल नहीं, आप अगर इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं खुलने वाली है। तो इस तरीके से ये पीस हमारा बिल्कुल टेम्पटिंग साथ तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरे पीस भी आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमें राउंड में इस तरीके से घुमाना है, और इसे ना बीच साइड वाली जो है एक इसे इस तरीके से हम घुमाएंगे, और इस तरीके से हम घुमाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से घुमाने से एक डिज़ाइन सब बन जाता है, और क्रिस्पी खस्ता तो बनती ही है लेकिन देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से आप अगर बनाते हैं। तो थोड़ा सा पानी आप लगा लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर चिपका देते हैं। तो ये हमारा दो पीस बनके तैयार हो गया है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि इसे बनाना कितना आसान है। तो फटाफट से इसे आप ना इस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि सभी पीसेस को इसी तरीके से मैंने शेप दे दिया है। तो ये देखिए दिखने में कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ना, बिल्कुल फ्लावर की जैसा। तो इस तरीके से आपको जितने भी नाश्ते बनाने हो बस इसी तरीके से आपको घुमा करके शेप दे देने हैं। तो अब चलिए आती है इसकी फ्राई करने की बारी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ।
तो ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, बस इसे ज़्यादा गरम वो नहीं करना है। और अब इसमें क्या करेंगे, एक एक पीस हम डालते चले जाएंगे। इसे आप ना डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी कढ़ाई में स्पेस हो ना, बस उतना ही डालें ताकि आपको टर्न करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इस तरीके से एक एक पीस को उठाते जाइए और इसमें डीप करते हुए चले जाइएगा। बस गैस का फ्लेम ना इस टाइम पर मैंने मीडियम रखा है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे आपको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए, कुछ सेकेंड के बाद ही इसे आपको टर्न करना है, तुरंत नहीं करना है, टच बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेट होने में थोड़ी सी टाइम लेती है, क्योंकि गैस का फ्लेम ना बिल्कुल मीडियम है। और इसे इस तरीके से हम ना फ्लिप करते हुए चले जाएंगे। बस इसे ना अलटते पलटते इसे अच्छा सा क्रंची होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो हमने क्या किया कि इसे इसी तरीके से छोड़ दिया, और अभी मैं इस तरीके से मैं एक बार टर्न कर लेती हूँ, उसके बाद इसे मैं लो फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई होने दूँगी। और तभी आपका ये नाश्ता जो है, स्नैक्स जो है, बिल्कुल क्रंची तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी पीसेस को हमें फ्लिप कर लेना है। एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तभी हम दूसरे चेंज कर लेंगे इसके, तो इसी तरीके से छोड़ देना है। तो चलिए, कुछ सेकंड के बाद ये देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। और ये देखिए, ये नाश्ता जो है बहुत अच्छा सा और टेम्पटिंग सा बनके तैयार हो गया है। कलर देखिए कितना फाइन आया है फ्रेंड्स। तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए, सभी नाश्ते को एक झारे से आपको निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल निकल जाए। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। तो देख करके ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा ना कि कितना ही टेम्पटिंग और डिलीशियस रेसिपी है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही क्रंची और बहुत ही अलग तरीके का ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप इस नाश्ते को एक बार खाएंगे ना तो इसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। और ये देखिए कितना खस्ता बना है। तो अब चलिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।